कलर्स टीवी के सीरियल पिंजरा खूबसूरतिका में लीड रोल निभा रहे एक्टर साहिल उप्पर कई पॉपुलर शो का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पिंजरा खूबसूरतिका शो में जिस तरह से उन्होंने ओमकार के किरदार को निभाया उससे फैंस उनकी एक्टिंग को बेहद पसंद कर रहे हैं और शो को ऑडियंस का खूब प्यार भी मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार अच्छी एक्टिंग नहीं करने के लिए डांटे जाने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, साहिल ने हालिया इंटरव्यू में ना सिर्फ उस वाक्य का राज खोला जिसने उन्हें एक बेहतर अभिनेता बनाया, बल्कि ये भी बताया कि कैसे उन्होंने बिना किसी बैकअप के इंडस्ट्री में जगह बनाई। साहिल ने इंडस्ट्री में अपने डेब्यू के बारे में बात करते हुए स्पॉट बॉय से बातचीत की। उन्होंने बताया, वैसे ही जैसे हर वो शख्स करता है जिसका कोई बैकग्राउंड इंडस्ट्री से नहीं होता, मैं हर दिन ऑडिशन के लिए जाता था। एक दिन में 5 से 6 ऑडिशन देता था और लौटते समय ये चेक करता था कि क्या कोई और ऑडिशन हो रहा है, अगर होता तो मैं अंदर चला जाता। वहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साहिल ने एक्टिंग छोड़ने के फैसले के बारे में बात करते हुए कहा, ये मेरे करियर का दूसरा शो था और उस शो में कुछ अद्भुत अभिनेता थे और मैं केवल एक नया भोला शौकिया था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सुधार की गुंजाइश जरूरी थी, इसलिए शूटिंग के पहले ही दिन डायरेक्टर ने आपा खो दिया और पूरी कास्ट और क्रू के सामने मुझ पर चिल्ला दिया। मैं टूट गया, मैं चुपचाप घर वापस आ गया। उस घटना का जिक्र मैंने अपनी डायरी में किया। मैंने सोचा था कि वो मुझे रिप्लेस कर देंगे, मेरे पास कोई काम नहीं होगा, मैं डर गया था। साहिल आगे कहते हैं, मैंने अपने दिमाग को यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार किया और खुद को इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि मैं दोबारा इस तरह के वाक्य का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगले ही दिन मुझे कॉल आया, बिना दो बार सोचे मैं फिर से सेट पर गया और देखना चाहता था कि ये कैसा होगा। ऐसा फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने और मेहनत करना शुरू कर दी। वेल, बेशक उस वक्त साहिल निराश होकर अपने करियर को खत्म ही मान रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि मेकर्स ने उन्हें शो के लिए वापस बुला लिया। आपको बता दें कि साहिल ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में शो PS आई हेट यू से की थी। इसके बाद वो महारक्षक देवी, पवित्र बंधन, भ्रम राक्षस, जीत गई तो पिया मोरे और शक्ति शो में भी नजर आए, लेकिन साहिल को पहचान मिली तो पिंजरा शो से।